नमस्कार, मैं विश्वराज। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएल, जो आरपीएल के तहत एक प्रोग्राम चल रहा है जो सीआईटीएस करने के लिए, प्राइवेट आईटीआई में जो इंस्ट्रक्टर है, गवर्नमेंट आईटीआई में जो इंस्ट्रक्टर है, उन लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि आरपीएल के बारे में कोई वीडियो बनाइए, बताइए। तो चलिए हम इसके बारे में हम बता देते हैं कि एक ऐसा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डीजीटी की तरफ से लागू किया गया, इस साल ही लागू किया है और इसी साल खत्म भी कर दिए जाएंगे, इसलिए कि जितने भी इंस्टीट्यूट है और बहुत सारे कंपनियों का जो कंप्लेन था कि क्वालिटी प्रोडक्ट, क्वालिटी वाले स्टूडेंट बाहर नहीं आ रहे हैं आईटीआई से, उनकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं हो रही है, तो इसके मद्देनजर रखते हुए सारे पूरे भारत में सीआईटीएस को अनिवार्य लगभग कर दिया गया है कि 2022 तक सारे इंस्टीट्यूट में 80% सीआईटीएस इंस्ट्रक्टर होने चाहिए, और 2018 में जुलाई तक 50% सीआईटीएस इंस्ट्रक्टर नहीं रहेंगे तो उस आईटीआई का सीटों की संख्या कम कर दी जाएगी। इसीलिए बहुत सारे आईटी वाले ने कंप्लेन किया था कि मेरे पास इतने जल्दीबाजी में इंस्ट्रक्टर कहां से आएंगे, तो डीजीटी ने एक नियम लागू किए थे आरपीएल के तहत कि आप आइए सीआईटीएस कीजिए, 3 महीने का ट्रेनिंग देना होगा, जो वो भी ट्रेनिंग उसको क्लास नहीं करना है, ऑनलाइन के माध्यम से उसको पीओटी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पढ़ाई जाएगी, उसको पढ़ना है, इसके बाद उसको सर्टिफिकेट दे दी जाएगी और ये सीआईटीएस इक्विवेलेंट रहेगा, मान्यता प्राप्त रहेगा। और दूसरा चीज, सबसे बड़ी चीज है कि ये साल में 3 बार होने वाला है, ये पहला सेशन चल रहा है जो कि जनवरी से लेकर अप्रैल में एग्जाम होने वाले हैं, अप्रैल से फिर नया एक सेशन शुरू होगा जो कि जुलाई तक चलेगा, तो इस तरह 3 बार साल में ये रहेंगे और तीन बार के अंदर में उन लोगों को सीआईटीएस, सारे इंडिया में जितने भी प्राइवेट आईटीआई है, गवर्नमेंट है, जितने भी इंस्ट्रक्टर अभी सीआईटीएस नहीं किए वो कर ले इत्यादि, इसमें एक कोर्स है। और इसमें जो आपका जो पैटर्न रहेगा, तो पैटर्न की बात करें तो आपको 150 नंबर का थ्योरी पेपर देना होगा, 150 नंबर का थ्योरी पेपर मतलब हो गया जो इंजीनियरिंग ट्रेड है उनके लिए बता रहे हैं कि ट्रेड थ्योरी 50 नंबर के रहेंगे और व्हाट्सएप कैलकुलेशन 50 नंबर के रहेंगे, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग 50 नंबर के रहेंगे, मतलब टोटल मिलाकर 150 रहेंगे। तो ये 150 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका ट्रेड थ्योरी, सॉरी पीओटी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, क्योंकि ये आपके लिए नया है, बाकी आप पढ़े होंगे, अगर पढ़ा रहे होंगे तो आपको रेगुलर इसमें टच में होंगे, नहीं तो जितनी ड्राइंग कर सकते हैं, ट्रेड थ्योरी कर सकते हैं, तो आप WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन, तो ये सब की जानकारी आपको पहले से होगी, केवल अगर नहीं जानकारी है तो पीओटी के बारे में नहीं है। तो पीओटी के लिए आपके लिए मैं बता दूं कि एशियन पब्लिकेशन का AMR सिद्दीकी जो उनका राइटर है, उनका बुक आता है, आप खरीद लीजिए, उसे थियोरिटिकल क्वेश्चन को पढ़िए और मेरा जो टेस्ट सीरीज है, पीओटी का टेस्ट सीरीज है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करने से फायदा यह होगा कि लगभग क्वेश्चंस आपको प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो आने वाले क्वेश्चन के चांस है, इत्यादि क्वेश्चन का बहुत बड़ा संग्रह है, 500 से ज्यादा क्वेश्चंस है, उसको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको 90% चांस है कि आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, पास ही नहीं होंगे अच्छे नंबर से पास होंगे, तो इसलिए उसको ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पर मैसेज करना होगा, कॉल नहीं करना है, केवल मैसेज करना है और आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेड थ्योरी कैसे पढ़ना है, ट्रेड थ्योरी के लिए देखिए, केवल आपको जो आईटीआई में जो पूछे गए जैसे प्रश्न आते हैं उसी तरह का सीआईटीएस में प्रश्न आते हैं, बिल्कुल आईटीआई लेवल का रहेगा, आपको इसमें कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, जितने भी चीज आएंगे सब आईटीआई लेवल करेंगे, चाहे ट्रेड थ्योरी हो, वर्कशॉप कैलकुलेशन हो या ड्राइंग हो, तीनों आपका जो आएगा वो क्या रहेगा, आईटीआई लेवल का रहेगा। तो आईटीआई के में जितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, आप अच्छे से पास होंगे। पीओटी के लिए मेरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और आसानी से पास हो सकते हैं। और इसका सिलेबस के बारे में है तो इसके लिए एक वीडियो मैं बनाया था, शायद अभी यूट्यूब चैनल पर नहीं है, लेकिन आप निमिक जो ऑनलाइन लर्निंग है वहां पे इसका डिटेल्स दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो वेबसाइट है निमी ऑनलाइन लर्निंग, जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वहां से आप जाकर इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल्स आ जाएंगे कि कौन से ट्रेड से, जैसे आप इंजीनियरिंग ट्रेड होते हैं, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड है, तो दोनों के लिए वहां पर सिलेबस दे रखा है, आपका मार्कशीट का फॉर्मेट दिया हो रहा दे रखा है, तो उसे आप समझ सकते हैं, तो आप वहां ज्वाइन करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए, आगे भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको बताया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो वीडियो भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे आपसे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।